फाइनली गाइस हम आ गए अमीन यूट्यूब चैनल में, आपका स्वागत करता हूँ मैं। हम देखिए आप नई वीडियो लेकर आए नई जगह पर, ये स्टार होटल, स्टार होटल के बगल से आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर कितना खूबसूरत है। आइए हम दिखाते हैं, देख सकते हैं। मैंने आपको ये करते हुए कहा था कि एक नई वीडियो नई जगह पर लेकर आऊँगा, तो आप हमारे गाँव में कभी आए तो यहाँ भी जरूर घूमने। ये स्टार होटल के बिल्कुल पास में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर हमारे शहर के आमदार जो है साहब ने इस पहाड़ी के ऊपर ये गार्डन टाइप बनाया है, जिसका नाम हिल स्टेशन से जिसे जाना जाता है। लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं, आप देख सकते हैं चारों ओर सेफ्टी भी है कि यहाँ पर बच्चे गिरे हुए ना पहाड़ी पे से। तो मेरा बस यही मकसद है कि आप मालेगांव में आए तो यहाँ भी जरूर घूमें, और हम ऊपर जाकर भी आपको पूरा बताएंगे मंदिर। A few moments later. खतरनाक है, हमारा एक साथी नीचे उतर चुका है, हम यहाँ पर नीचे उतरने जा रहे हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं मुश्किल से नीचे जाएंगे, आइए हम आपको ले चलते हैं। ऐसी जगह पर आप अपना पैर जमा जमा कर साथ ही हमें आवाज दे रहा है कि संभाल कर रहा है। चलिए, वैसे हम उधर से उतरते थे तो गिरने के चांस थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते छोटे मोटे पत्थर में पैर भी आसानी से जम जाएगा हमारा। ये पत्थर तो कौन लोग पकड़ना है, देख सकते हो आप, ये गिर सकता है। यहाँ की नदी भी आप देख सकते हो, खूबसूरत है। दोस्तों आपसे यही विनती है कि मालेगांव में आए तो ऐसी जगह पर जरूर घूमने जाए। हमको लगते हैं स्टार होटल तो बताए थे, और ये जैसा कि हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है उसके पास ही ये नदी है। हम नीचे का भी मंजर आपको बताएंगे, जो कि हमें रास्ता बता रहा है कि आप मेरे पीछे आइए। हमारी टीम आप लोगों को अच्छी वीडियो बताने में बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है। A few moments later. काम में रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आइए, ऊपर से हम नीचे उतरे हैं, आप देख सकते हैं हम नीचे उतर चुके हैं, बस थोड़ा सी और रह गया। हम इधर का भी देख सकते हैं, हमारे साथ ही वहाँ बैठे गए। यहाँ पर बताने का मकसद है कि आप घूमने आए हो तो यहाँ पर पिक्चर यानी कि फोटो वीडियो वगैरह बहुत खूबसूरत आएगी। यहाँ पर खुला आसमान भी आपको अच्छा मंजर भी देखने को मिलेगा, नदी है आप वहाँ नहा भी सकते हो। आपको मालेगांव में आए तो हिल स्टेशन में जरूर बैठिए। A few moments later. मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, माय फ्रेंड लोग, बहुत ही मुश्किल तरीके से चढ़ रहे हैं वो लोग ऊपर, की उनकी टांग दर्द दे रही है बहुत ही। तो हाथ पैर दर्द की गोली जरूर ले चढ़ते वक्त, तो आगे बतलाते हैं क्या हो रहा है। अफजाल का पैर बहुत ही तेजी से फिसल रहा है, ये बहुत ही हार्ड एडवेंचर होने वाला है दोस्तों। जान अटक गई थी, आप देख सकते हैं, आप ऐसी जगह पर बिल्कुल ना जाए जहाँ रेत हो, बस पत्थर जहाँ पर पत्थर पड़े हो वहाँ से जाए, नहीं तो रेत की वजह से आपको पैर फिसल सकते हैं और आप नीचे गिर सकते हो। जैसे अभी अफजाल भाई का पैर फिसल रहा था जी, तो जी मेरे कैमरा में नहीं देखेगा। तो आइए हम हिल स्टेशन का भी थोड़ा मंजर दिखा दो, उसके बाद हम वीडियो से आपको अलविदा लेंगे। आइए, A few moments later. ये वीडियो में इससे अच्छा नज़ारा आपको दिखाएंगे मालेगांव में। मालेगांव का बहुत अच्छा अच्छा खूबसूरत नज़ारा, ये नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप मालेगांव और हिल स्टेशन से काशिफ साहब ने बनाया है। तो हम अंदर का दिखाते हैं आपको, हम आप देख सकते हैं ऊपर से आए हैं, ऊपर आ सकते हिल स्टेशन का नज़ारा देख लीजिए आप, बहुत खूबसूरत है।
बच्चों के लिए गार्डन टाइप है और बैठने के लिए सुकून दे जगह भी है। चारों तरफ खुला आसमान है, हवाएं अच्छी अच्छी चलती है। बस आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप ज़रूर मालेगांव आएँ, तो हिल स्टेशन आए जो कि मालेगांव में वाकई है। ये देखिए उनके दोस्त जाली ला रहे हैं और हमारे बस इस वीडियो को दिखाने का आपका हमारा मकसद ये था कि आप जरूर घूमने आए मालेगांव में नवी नवी जगह। अल अमीन चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे और घंटा जरूर दबाइए ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए पहले। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ खड़े आप देख सकते हैं नीचे, अब हम वहाँ नीचे जाने वाले हैं। चलिए आपको नीचे ले चलते हैं, आप देख सकते हैं हिल स्टेशन का नज़ारा। यहाँ का गार्डन, ये गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ बैठने के लिए जगह है, खेलने के लिए मैदान भी है। तो देखिए जॉन कैमरामैन थे, जॉन वीडियो उतार रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं देख, कुछ आता नहीं है फिर भी वो कुछ भी कुछ करते रहते हैं। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं। उनके साथ एक और उनका फ्रेंड है, वो भी उनके साथ एड़े चाले कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। फैन है अफजाल जी।